नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। बीते दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल भी खड़े हुए। डॉक्टरों की कमी साफ तौर पर देखी गई। यूपी के हाथरस जिला अस्पताल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मरीज तो अस्पताल पहुंच रहे हैं लेकिन डॉक्टर कहीं भी नजर नहीं आ रहे। हाथरस का जिला अस्पताल, जहां पर डॉक्टर बैठते तो हैं लेकिन फिर भी मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। जी हां, अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ना होने की वजह से दूर गांवों से आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब इस मामले में एबी स्टार न्यूज की टीम ने अस्पताल के सीएमएस से बात करने की कोशिश की तो सीएमएस मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। बैठ तो चाहिए बॉस। तो बैठ दे देते आप इस मामले में, बस इतना ही कह देते कि डॉक्टरों की कमी चल रही है। प्रभारी मंत्री जी दे चुके। ये पहली बार नहीं कि मरीजों को इलाज ना मिलने के कारण निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। अस्पताल में ये रोजमर्रा की कहानी है। इलाज के लिए आई एक महिला का कहना है कि उसे डॉक्टर ना होने की वजह से वापस लौटना पड़ रहा है। आज आप जिला अस्पताल में आई हैं, क्या दवाई लेने आए थे? क्या दवा लेने आए थे? हम जाँच कराने आए थे। बताइए, डॉक्टर कब आएंगे बताइए? 27 तारीख को आएंगे। कई दिन हो गए आपको यहाँ पे आते हुए जिला अस्पताल में? मैं वैसे तो आज पहली बार आई हूँ, पर पहले भी आई थी। पहले जांच आज कुछ नहीं करा था। मना कहीं गांव से आई हैं या शहर से ही हैं आप? नहीं, शहर के। शहर के रहने वाली हैं। और डॉक्टर साहब 27 तारीख को आएंगे। ओपीडी में डॉक्टर ना होने की वजह से एक दिव्यांग बच्चे के हाथ पे बस निराशा ही लगी। बच्चे को इलाज के लिए लेकर आए परिजन का कहना है कि उन्हें डॉक्टर का इंतजार करते हुए काफी वक्त हो गया लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं आए। दूर दराज के गांव से आए मरीजों को भी इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। बच्चे का कान में दर्द है, विकलांग बच्चा है, उसके कान में दर्द हो रहा है और उसको दिखाने के लिए आए थे। डॉक्टर अभी बैठे, वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी में 2 बजे के बाद बैठेंगे। किसी गांव से आए हैं या शहर के? बहुत दूर से, बिल्कुल एकदम हाथरस जिले से लास्ट से आए। आप यहाँ गांव से आए हैं और क्या करने के लिए आए हुए थे? दवा लेने आया हूँ, मुझे जो चक्कर आ रहा। दवाई मिल गई आपको? दवा तो मिल गई लेकिन डॉक्टर को नहीं बैठ रहे हैं। आज डॉक्टर को दवा दे दी थी, वो डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर ही नहीं बैठ रहे हैं ओपीडी में? कितने समय हो गए आपको यहाँ पे जिला अस्पताल में? 3 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे, घर से घर भटक के मिली है ये। 3 घंटे के बाद में आपको दवाई मिली है? तो ये तो बात हुई यूपी के हाथरस के जिला अस्पताल की। एक और तस्वीर सामने आई है यूपी के लखीमपुर अस्पताल से, लेकिन वो तस्वीर बिल्कुल उलट है। जहां हाथरस जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है तो वहीं लखीमपुर में हर तरह की स्वास्थ्य सेवाएं यहां मरीजों को मिल रही हैं। वो तमाम तरह की सुविधाएं इस अस्पताल में है जिसकी दरकार एक मरीज को होती है। चलिए आपको दिखाते हैं लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल की तस्वीर, जो कि हाथरस के जिला अस्पताल से बिल्कुल उलट है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का जिला अस्पताल वैसा ही है जैसा एक मरीज चाहता है। मरीजों को दवाई अस्पताल से मिल जाती है। इसके अलावा अस्पताल में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त है। मरीजों का कहना है कि उनकी सुविधा अनुसार इलाज भी किया जा रहा है। दवाइयां भी उन्हें अस्पताल में ही मिल रही है, जिसके चलते दवाइयों के लिए उन्हें कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ता। आप कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको एडमिट हुए? 9 दिन से। यहीं से दवाई आपको उपलब्ध कराई गई है कि कुछ बाहर से भी दवाई आपको लिखी गई है? नहीं, यहाँ से दवाई मिली है, बाहर से तो नहीं बताया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हैं। हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था है,
10 बिस्तर का चिल्ड्रन वार्ड स्वीकृत है और हमने 25 बिस्तर की व्यवस्था कर रखी है। समस्त दवाइयाँ हम अस्पताल से उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ सीरियस मरीज आते हैं, चाहे वो CSC PSC से हो या प्राइवेट इलाज कराते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ सीरियस मरीज आते हैं, तो जो कुछ एक दो डेथ हो जाती है कभी कभी, वो इतने सीरियस होते हैं जिनको हम बचा नहीं पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज हमारे छुट्टी हो गए। तो हमने आपको यहाँ दो तस्वीरें दिखाई, एक तरफ हाथरस में जहाँ डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर है, तो वहीं लखीमपुर खीरी में वो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद है जिसकी दरकार एक मरीज को होती है। दोनों ही तस्वीर यूपी से है, लेकिन दोनों ही अलग अलग कहानी बयां कर रही है। यहाँ पर सरकार को सोचना होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह दुरुस्त किया जाए। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से एक साफ तस्वीर नजर आती है स्वास्थ्य सेवाओं की, वैसी ही तस्वीर पूरे प्रदेश के हर अस्पताल में नजर आए, इसके लिए यहां सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।